लेकिन सर्दियों के मौसम में बिहार की राजनीति का पारा जबरदस्त हाई है। यहाँ नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, ज्यादा पसीने नीतीश कुमार को आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कई मोर्चों पर इस वक्त घिर चुके हैं। एक तरफ ललन सिंह है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, तीसरी तरफ बीजेपी खड़ी है। आखिर नीतीश कुमार जाए तो जाए कहां? अब जदयू जो दो टुकड़ों में बटी नजर आ रही है, उसके अंदर की कहानी आपको बताएंगे। हमारे साथ सहयोगी सुजीत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो ये खबरें चर्चाओं में है कि जदयू में बड़े फूट, ललन सिंह का नाम आ रहा है कि कहीं नीतीश कुमार उनको बाहर ना कर दे, लेकिन मीडिया में कुछ और चल जाता है, ललन सिंह आकर मीडिया पर ही गर्म हो जाते, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अर्पिता, बिहार की राजनीति में जो भी घटनाक्रम अभी हो रहा है उसी आस लगाया जा रहा है, उससे ये बात सामने आ रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और इसके पीछे पूरा जदयू के अंदर में जो उठा पटक हो रहा है, ललन सिंह नीतीश कुमार के जो विवाद है, तेजस्वी यादव की जो सपने हैं, वो मुख्य कारण है। कैसे, मतलब आप इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्या राष्ट्रपति शासन लगना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं? बहुत बड़ी बात है, 2005 के बाद बिहार में अभी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और इसकी जिम्मेवार सिर्फ ललन सिंह और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होंगे। किस लिए? सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नहीं, आपके पास क्या आंकड़े, किस आधार पर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं अगर पब्लिक के सामने? क्या आंकड़े? पूरी आंकड़े हैं, पूरी बातें हैं, हम आपको एक एक बात बताते हैं, एक एक पॉइंट बताते हैं कि कैसे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, कौन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए रोक लगाएगा, क्या जदयू में उठापटक होगा, क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर हुक खत्म होगी, या नीतीश कुमार भाजपा में विलय होंगे, या भाजपा में जाएंगे वहां गठबंधन करेंगे, क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी इस मामले को सुलझाएंगे, ये पूरी बात अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। पहली बात, राष्ट्रपति शासन ऐसे लगेगा कि अभी जो पूरी राजनीतिक क्रम चल रही है वो एक ही बात के लिए चल रही है कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाए। उसके लिए ललन सिंह पिछले चार महीने से लगातार नीतीश कुमार से बगावत कर रहे हैं, कभी अशोक चौधरी से लड़ जा रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी उनकी बात सामने एक तरह से जैसे पहले होता था उस तरह से हो नहीं रही है, तो जिस तरह से बातें सामने आ रहा है तो लग रहा है कि वो जदयू के अंदर में एक टूट करने जा रहे हैं, और जिस तरह से वो टूट कर रहे हैं तो उसमें 10 विधायकों का नाम सामने आ रहा है कि 10 विधायक ललन सिंह के साथ आ जाएंगे। अच्छा, अगर नीतीश कुमार कुछ भी बड़ा कदम उठाए उनके खिलाफ एक बहाना मिल जाएगा, और बहाना मिलेगा वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। तेजस्वी यादव पहले से 116 लोगों को तैयार करके रखे हुए हैं। अच्छा, वो पूरी आंकड़ा हम आपको बता देंगे, 116 लोगों को पहले से तैयार रखे हैं, 122 लोग चाहिए, विधायक चाहिए यहाँ, 122 110 से 116 में 10 जुटेगा, 126 हो जाएगा, 4 ज्यादा हो जाएंगे, तो आराम से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनाते हैं, आंकड़ा पूरा हो जाएगा। पर जैसे ही नीतीश गुट से 10 लोग, मतलब जदयू से 10 लोग राजद को समर्थन देंगे या एक अलग गुट बनाएंगे, और जैसे ही राजभवन में जाएंगे तो वहां 2005 में जिस तरह से कांग्रेस की थी, सेम भाजपा मतलब केंद्र सरकार, मतलब राजभवन का वो खेला कर देगी और कहेगी कि नहीं, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा, ये कानूनी पेच लगेगी इसमें, पूरी तरह से राजभवन तो अडिग हो जाएगा, कहेगा ये बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ भाजपा के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू, अब लड्डू है, क्योंकि अब राजद दिख जाएगी सामने कि राजद ने कुछ खेला किया, ललन सिंह भी सामने आ जाएंगे कि ललन सिंह ने बगावत किया, नीतीश कुमार फिर से उनके सामने रास्ता नहीं बचेगा, मतलब बीजेपी में सामने कुछ रास्ता नहीं बचेगा, वो बीजेपी में जाएंगे कि महागठबंधन में जाएंगे कि दिल्ली में जाएंगे सोनिया गांधी के आवास पर कि राहुल गांधी से मिलेंगे, मत वो असहाय हो जाएंगे राजनीतिक तौर पर से। देखिए, आप जो सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो बड़ी बात हमें दिख रही है, जो आप बहुमत की बात करें कि राजद के पास आसानी से 126 विधायक आ जाएंगे, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजद के पास अभी 79 विधायक हैं खुद अपने, ठीक है, उसमें से 16 हैं लेफ्ट की तरफ के विधायक, 19 कांग्रेस के जो सीधा समर्थन राजद को करते हैं, एक सुमित कुमार है जो निर्दलीय है, एक AIMIM के, टोटल 116 हो गए। अगर जदयू के 10 विधायक
ललन सिंह तोड़ लेते हैं या यूं कहें कि वो तोड़ चुके हैं, वो उठाकर 10 विधायक ललन सिंह तेजस्वी को हाथ में पकड़ा दे कि लीजिए 10 विधायक, यो 126 का आंकड़ा बहुत आसानी से राजद को मिल जाएगा। अब इसी आंकड़े के आधार पर एक तरह से ये भी तो कह सकते हैं कि अघोषित सीएम तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि अंदर अंदर पूरा खेला हो गया है। वो नीतीश कुमार इस खेला को समझ रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार का आज बयान आया है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं हटाया जा रहा। अच्छा, अब लालू यादव, तेजस्वी यादव और ललन सिंह देख रहे हैं कि क्या बहाना मिल रहा है। अगर नीतीश कुमार एक गलती कर दिए, अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिए, या एक गलती कर दिए कि भाजपा की तारीफ में कुछ बोल दिए, एक बहाना मिलना चाहिए सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं को, मतलब लालू यादव को, तेजस्वी यादव को और ललन सिंह को। एक बहाना मिलेगा और नीतीश कुमार को अलग कर देगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, टाटा बाय बाय। आजकल उपेंद्र कुशवाहा से भी काफी नजदीकियां नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये सब कुछ जो चल रहा है क्या मामला हो सकता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से इसलिए नीतीश कुमार नजदीकियां दिखा रहे हैं कि ये जो टूट हो रही है, जो डैमेज हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उस डैमेज में नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर बर्बाद ना हो, नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर उसी पटरी पर रहे, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द जदयू में आइए और एक पार्टी ज्वाइन कीजिए, अच्छे पद पर आइए और आप पूरा कमान लीजिए और नीतीश कुमार को प्रेजेंट कीजिए। देखिए, नीतीश कुमार के जितने करीबी रहे, ज्यादातर छोड़कर चले गए, आरसीपी सिंह चले गए, कुशवाहा चले गए, जीतन राम मांझी भी चले गए छोड़कर। अब ये जो ललन सिंह वाला आप मामला बता रहे हैं, एक जो शंका हो रही मन में कि अगर ललन सिंह ये खेल इस वक्त कर देते हैं, देखिए इस वक्त कर देते हैं, तो नीतीश कुमार तो जो उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की चर्चा है वो तो खत्म हो ही जाएंगी, प्लस बीजेपी उनको कभी अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्या इसके आसार भी लगते हैं? क्योंकि वो कमजोर पड़ जाएंगे, आप वो बीजेपी को मनमानने वाले नहीं रह जाएंगे, आप उनको मानने वाला बनना पड़ेगा। ये तो है, नीतीश कुमार के साथ अगर ये खेला तेजस्वी यादव, लालू यादव और ललन सिंह करते हैं तो नीतीश कुमार एक हाशिए पर पहुंच जाएंगे और नीतीश कुमार के पास एक मजबूरी शब्द होगी, वो मजबूरी बस वो भाजपा में जाएंगे अपने पार्टी को लेकर, और देख चुके हैं कि हमारी औकात क्या है, राजनीतिक औकात क्या है पूरे बिहार के अंदर में 2014 के इलेक्शन में, इसलिए वो कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, एक हमको कुछ दिन पहले एक खबर सुनने को मिली थी, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी में अब उनको जो है किसी अन्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है, गोवा का बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है ही। देखिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तेजस्वी यादव, लालू यादव जब बगावत करेंगे तो नीतीश कुमार की राजनीतिक जो पूरी अपनी ताकत है वो कमजोर हो जाएगी, उनकी ताकत वो एक हाशिए पर चले जाएंगे, इसके लिए वो प्लानिंग करके रखे हुए हैं। छोटे मोटे तो नेता है नहीं, भाजपा राजद को घुमा रहे इतने बड़े बड़े पार्टी को, थर्ड नंबर की पार्टी हो, तो कोई छोटा मोटा तो नेता नहीं है, छोटा दिमाग वाला आदमी तो है नहीं, वो एक बड़े दिमाग वाले आदमी है, बड़े नेता है, एक कह सकते कूटनीति करने वाले नेता है, तो उनकी कूटनीति यही रहेगी कि ललन सिंह के गुट और तेजस्वी यादव जैसे ही वहां जाएंगे राजभवन में, उससे पहले नीतीश कुमार दौरे दौरे चले जाएंगे और कहेंगे कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, और ये पूरा मेरा जो समर्थन है, जो 30 विधायक हमारे हैं वो बीजेपी को समर्थन हम दे रहे हैं, बीजेपी से मुख्यमंत्री बना दीजिए, बीजेपी के लोगों को कहेंगे आपकी सारी शर्त को हम मान लेते हैं, आपकी सारी शर्त को मान लेते हैं, आप मुख्यमंत्री बनाइए और मेरा जो इस्तेमाल करना है कर लीजिए, आप मुझे गवर्नर बनाइए या कुछ भी बना के रखिए, मेरा जो इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरी राजनीतिक जो ताकत है वो कमजोर नहीं होना। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हर वो रास्ता ये खोज कर रखेंगे कि अगर उनको राजद की तरफ से ये धोखा मिलता है कि तोड़ फोड़ करके राजद के मुख्यमंत्री बन जाए, यानी कि तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार हंसी का पात्र ना बन पाए, नीतीश कुमार की राजनीति जीरो ना हो पाए। नीतीश कुमार इसीलिए कई प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं, जिसमें से प्लान बी है उनके पास बीजेपी में जाने का, लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी, बीजेपी में जाएंगे लेकिन सम्मान लेने के लिए जाएंगे, अपमानित नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले से ये
समझ चुके हैं कि अब हमको बीजेपी बिहार का सीएम नहीं बनाएगी, तो बीजेपी जो कुछ देगी उसको खुशी खुशी वो स्वीकार कर लेंगे। देखिए तस्वीर यही बता रही है, अब आने वाले कुछ दिन बहुत आसानी से सारी चीजों को आपके सामने साफ करके रख देंगे। हमारी पूरी नजर बनी रहेगी, हर एक बात हम भी आप तक जरूर विश्लेषण करके पहुंचाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।